सो ही गाइस, यहाँ पे Amazon समर सेल स्टार्ट हो चुका है और आपको मैं बहुत ही अमेजिंग स्मार्टफोन रिकमेंड करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से गाइस हम लोग 8,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक जाएंगे। बेस्ट स्मार्टफोन Amazon समर सेल 2023 में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपको पहला स्मार्टफोन देखने को मिलता है, मैं रैंडमली कोई भी स्मार्टफोन बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे गाइस मैं आपको पहला फ़ोन बता रहा हूँ वो है iQOO की तरफ से आने वाला iQOO Neo 6 स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ आता है। इसका कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये बेस्ट फ़ोन है गाइस। अगर आपके पास ICICI कार्ड है तो आप इसको 23,999 रुपये में ख़रीद सकते हो और ये इसका एक अच्छा प्राइस है, नहीं तो ये फ़ोन हमेशा 28,000-29,000 रुपये में देखने को मिलता है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। दूसरा फ़ोन है गाइस वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला। अगर आपको सैमसंग का एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए और आपका बजट अंडर 30,000 है तो ये फ़ोन गाइस आप खरीद लेना। करूँ गाइस सैमसंग गैलेक्सी A34 5G स्मार्टफोन की, ये आपको 27,999 रुपये में देखने को मिलेगा अगर आपके पास ICICI बैंक कार्ड है। तो Amazon समर सेल जो है ICICI बैंक कार्ड के साथ ही लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे गाइस आप जो है ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा आपको कैशबैक मिलेगा, ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, डेबिट कार्ड में थोड़ा कम मिलेगा, उसका आधा मिलेगा क्रेडिट कार्ड से। तो आपके पास दोनों में से कोई भी कार्ड है तो प्लीज़ आप यूज़ करना, आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप ICICI कार्ड है तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा। फिर भी अगर आप प्राइम मेंबर हो, अगर आप प्राइम मेंबर हो तो भी आपको बहुत पैसा बचेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो 300 रुपये का एक महीना दो महीने का आता है वो ले लेना, और उसमें 150 रुपये कैशबैक आपको मिल जाएगा अगर आप स्टूडेंट हो, मतलब 24 साल से ज़्यादा अगर आपका एज नहीं है तो आपको 150 रुपये आधा पैसा वापस आ जाएगा। अगर आप एक साल का लोगे तो भी जो 1500 कुछ का आता है एक साल का, तो उसमें आपको 800 रुपये वापस आ जाएगा। तो प्राइम मेंबरशिप ले लेना, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो या फिर अगर आपको प्राइम मेंबर बनना है, जिसमें आप Amazon प्राइम म्यूज़िक, Amazon प्राइम वीडियोज़ और Amazon बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। साथ में फ्री डिलीवरी भी मिलेगी छोटे प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप Amazon प्राइम मेंबरशिप ले सकते हो। अब गाइस यहाँ पे जो भी फ़ोन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे Amazon के, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना, लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे गाइस अब बात करने वाले नेक्स्ट फ़ोन की, क्योंकि मैंने आपको बताया सैमसंग गैलेक्सी A34 है वो 27,999 में मिलेगा। और सच में गाइस अगर आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए जहाँ पे अच्छा कैमरा हो, अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग हो, अच्छा प्रोसेसर हो, सारा कुछ इस फ़ोन में आपको मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, बैटरी भी अच्छा खासा है, चार्जर इन द बॉक्स नहीं है तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ पे गाइस एक चीज़ जो डिसअपॉइंट करेगी वो है सामने में वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, जो कि आज का ट्रेंड नहीं है और अंडर 30,000 में आजकल हर कोई पंच होल देता है। तो अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी सी नॉच है, अगर आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो डेफिनेटली गाइस आप ये फ़ोन खरीद लेना, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इस फ़ोन के साथ। दूसरा फ़ोन है गाइस iQOO Neo 7 5G स्मार्टफोन। ये फ़ोन गाइस आप अराउंड 26,999 में खरीद सकते हो, ये भी एक अच्छा खासा फ़ोन है, तो प्लीज़ आप इसको चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट फ़ोन है गाइस सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G वाला। ये फ़ोन आप अराउंड 24,999 में ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये फ़ोन मत खरीदना, आप S23 या फिर कुछ और ले लो, लेकिन या फिर कुछ और जो फ़ोन मैंने इससे पहले रिकमेंड किए वो खरीद लेना, ये मत लेना, क्योंकि ये 25,000 रुपये का आज के डेट में मिल रहा है और इसका बैटरी बैकअप सच में अच्छा नहीं है, बाकी हर चीज़ इस फ़ोन का अच्छा है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप iQOO Z7 खरीदने वाले थे तो 18,999 रुपये में आपको iQOO G7 देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली गाइस आप इस फोन की तरफ जा सकते हो, बहुत बेहतरीन फोन है अंडर 20,000। तो लेने से पहले एक बार इसके स्पेक्स चेकआउट जरूर से कर लेना। हम लोग थोड़ा प्राइस को नीचे लाते हैं और मैं आपको बेस्ट फोन रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको एक 5G फोन चाहिए, अगर आपको सैमसंग ब्रांड चाहिए, तो आप सैमसंग गैलेक्सी M14 5G स्मार्टफोन खरीद सकते हो। इसका प्राइस आपको 12,490 रुपये पड़ेगा और गाइस आपको 6,000 mAh बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और डेफिनेटली गाइस आप ये वाला फ़ोन चेकआउट कर लेना। यहाँ पे गाइस अगर आपको एक 4G फोन चाहिए, बेस्ट 4G फोन अगर आप ढूंढ रहे हो, जहाँ पे प्रीमियम लुक और डिज़ाइन होगा, ग्लास बैक होगा और बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक होगा, इन हैंड फील आपको 25-30,000 रुपये का देगा, लेकिन वो अंडर 10,000 का फ़ोन होने वाला है, 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, 18W का चार्जर इन द बॉक्स, 5,000 mAh बैटरी, ये सारा कुछ अगर आपको चाहिए, पंच होल डिस्प्ले अगर आपको चाहिए, तो गाइस लावा ब्लेज 2 इंडियन ब्रांड है, अगर कुछ होगा तो फ्री होम सर्विस मिलेगा, ये फ़ोन खरीद लेना। 9,000 रुपये इसका प्राइस है, मैंने खुद 9,000 रुपये में खरीदा है। अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो खरीद लो, क्योंकि ये वाला फ़ोन 9,000 नहीं, आप 8,999 रुपये में खरीद सकते हो अगर आपके पास ICICI कार्ड है। तो डेफिनेटली गाइस अगर आपका बजट 10,000 है और आप अंडर 10,000 या फिर अंडर 8,000 एक फ़ोन ढूंढ रहे हो 4G वाला, तो आप डेफिनेटली ये फ़ोन खरीदना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कम प्राइस का फ़ोन चाहिए तो लावा यूआ 2 प्रो है। यूआ 2 प्रो खरीदते हो तो 4/64 उसमें मिलता है, सेम आईफोन टाइप का लुक मिलेगा, ग्लास बैक मिलेगा,
लेकिन गाइस ये जो फ़ोन है 8000 रुपये का लॉन्च हुआ, मैंने भी इसको 8000 रुपये में खरीदा था। वीडियो आपको दोनों फ़ोन का आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, मैं आई बटन में लिंक अटैच कर दूंगा या फिर आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हो। ये फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और हर कोई धोखा खा जाएगा कि आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, ये एक बेनिफिट है इसमें। और इसमें भी गाइस बहुत अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली गाइस आप इस फ़ोन के तरफ जा सकते हो। इस फ़ोन को मैंने 8000 में ख़रीदा था, बट आज के डेट में आप इस फ़ोन को 7200 रुपये 7199 रुपये के अराउंड खरीद सकते हो अगर आपके पास ICICI कार्ड है। तो डेफिनेटली गाइस आप ये फ़ोन खरीदना, आपको बहुत अच्छे ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। आप एक सस्ता फ्लिप फ़ोन ढूंढ रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया की, क्योंकि नोकिया ने एक फ्लिप फ़ोन लॉन्च किया है जो कि मात्र 4449 रुपये के अराउंड आप खरीद सकते हो, जो कि एक कीपैड फ़ोन होगा डेफिनेटली, बट यहाँ पे इसका जो लुक और प्रीमियमनेस है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको एक कीपैड फ़ोन चाहिए और 5000 रुपये के आसपास अगर आप ढूंढ रहे हो, तो ये फ़ोन आप देख लेना जो कि नोकिया 2660 है। नोकिया 2660 एक अच्छा फ़ोन है, आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस अगर आप OnePlus Nord C3 Lite जो कि अभी लॉन्च हुआ है, आप इसको 18999 रुपये में खरीद सकते हो, जिसका 8GB और 128GB वेरियंट, बेस वेरियंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो 20000 रुपये, यहाँ पे 1000 रुपये आपको कम देखने को मिलेगा। और आज के डेट में भी अगर आप एक नोकिया का फ़ोन ढूंढ रहे हो 10-12000 रुपये में, क्योंकि नोकिया एक ब्रांड है और आप लोगों को पसंद है नोकिया का फ़ोन यूज़ करना, तो 12000 रुपये के अराउंड आप नोकिया का एक फ़ोन यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, एक बार चेकआउट कर लेना। आपको इसमें 6GB रैम आराम से देखने को मिल जाएगा 12000 रुपये में, और नोकिया ब्रांड अगर आप यूज़ करना चाहते हो और आपका बजट कम है, तो डेफिनेटली गाइस आप नोकिया की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि एक ऐसा लौता नोकिया का फ़ोन मुझे मिला जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा प्राइस मिला। बाकी हर नोकिया का फ़ोन आज के डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लॉन्च हो रहा है, इसलिए रिकमेंड नहीं करता कोई भी। गाइस अगर आप एक सस्ता 5G फ़ोन ढूंढ रहे हो जो कि काफ़ी बजट में होना चाहिए, मतलब 10500 रुपये में आप एक बेस्ट 5G फ़ोन अगर आप चाहते हो जिसमें ग्लास बैक हो, काफ़ी अच्छा 5G चले, तो गाइस आप लावा ब्लेज 5G खरीद सकते हो। प्राइस रियली में डाउन हुआ है, 11000 या 11500 उसका प्राइस रहता है हमेशा। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें बेस वेरिएंट आप अराउंड 10.5 में खरीद सकते हो। तो डेफिनेटली गाइस आप इस फ़ोन को खरीद लेना अगर आपको 5G फ़ोन बजट में चाहिए। गाइस अगर आपके पास अमेज़न प्राइम है, तो आप iPhone 14 128GB मात्र 39000 रुपये में खरीद पाओगे, 40300 रुपये के अराउंड आपको ये मिल जाएगा फ़ोन अगर आपके पास Amazon प्राइम है और आप iPhone 14 खरीदना चाहते हो, जिसमें एक्सचेंज वैल्यू भी ऐड किया गया है और साथ में कार्ड ऑफर भी ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली गाइस आप यहाँ पे शो हो रहा होगा चेकआउट कर सकते हो। और वहीं पे अगर आप नॉन प्राइम मेंबर हो, तो आपको 40 के अराउंड नहीं, आपको 43,000 या 44,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। इसमें भी एक्सचेंज वैल्यू ऐड है और साथ में कार्ड ऑफर्स भी ऐड है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, शो हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपको आईफोन 14 खरीदना है 40000 रुपये में, अगर आपको एक्सचेंज नहीं करना है तो भी आपको बेस्ट ऑफर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेकआउट करो। अगर आपको प्राइस अच्छा लगता है तो डेफिनेटली बाय कर लो। तो गाइस मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे फ़ोन रिकमेंड किए जो अभी के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और आपको ये सारे फ़ोन खरीदने चाहिए, जहाँ पे मैंने आपको 7000 रुपये से 50000 रुपये तक के एक बेस्ट स्मार्टफोन सजेस्ट किए हैं, 40,000 मान के चलो, क्योंकि आईफोन 14 में मिल रहा है अभी। तो Amazon समर सेल आपको 11 तारीख तक देखने को मिलेगा, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।